जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो भारत का सिरमौर, भारत का मुकुट हर व्यक्ति गर्व के साथ देखना चाहता है। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो स्वतंत्र भारत के वे नारे एक बार फिर से गूंजते हुए दिखाई देते हैं कि जहां बलिदान, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर यही इन्हीं वादियों में नारे गूंजे थे। मैं बधाई देता हूं आप सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आतंकवाद की इस जड़ को सदैव के लिए समाप्त करके आज कश्मीर में यह साबित कर दिया है कि दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, जो विकास है आज आप देख रहे होंगे, 4 लेन और 6 लेन की एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस का संजाल, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां पर सिंचाई की सुविधा, हर घर नल की योजनाएं, ये सब हो ही रही है। कितना परिवर्तन आया है। इससे पहले लोग अपने आप को हिंदू बोलने में भी संकोच करते थे। और बहनों और भाइयों, अयोध्या का नाम लेने पे तो लोग डरते थे। मुझे याद है जब मैं 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो मैं अयोध्या चला गया। लोगों ने कहा, रे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, रे क्यों? कहा कि अयोध्या जाने से आपको मालूम है तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तो क्या मैं अपनी आस्था के साथ और जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर दूं क्या? ये वोट बैंक के लिए नहीं हो सकता है। हमने कहा, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के आयोजन की तैयारी करो। और बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार बनती है तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त हो जाता है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना, क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती क्या? बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने तो कहा था कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ दूसरा नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, कैसे इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया था राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके हमारे आराध्य देवों को नकारने का प्रयास किया था।